मैं ये पूछ रहा हाँ हूँ कि व्हेन इरिडा वाज आल्सो अ फाइनेंस कंपनी, इट डबल्ड एंड देन इट डबल्ड अगेन, राइट? फ्रॉम 30 वेंट टू 60, फ्रॉम 60 वेंट टू 120. व्हेन द लॉजिक वाज सेम, एंड मुथूट फिन कैप इज आल्सो अ फाइनेंस कंपनी, इट लिस्टेड एंड इट वेंट डाउन. तो व्हाई इरिडाज बुक वैल्यू शुड गेट 2 टाइम्स 3 टाइम्स, जो हम बात कर रहे थे 2 तो बुक वैल्यू, एंड व्हाई मुथूट व्हिच वाज डिमांडिंग 1.9 टाइम बुक वैल्यू शुड नॉट इवन गेट 1.9 टाइम बुक वैल्यू एंड इट इज गोइंग डाउन. द मार्केट्स आर सुप्रीम. वैल्यूएशन सर, आपने जब इरेडा का बात किया था तभी देर वाज द वैल्यू ऑफ एसेट्स इन द बिजनेस वाज लाइक एज पर द करंट प्राइस, उसका एसेट और उसका कैश इन बिजनेस ही बहुत ज्यादा था. सो ऑब्वियसली द प्राइस, इट वाज लाइक समथिंग कमिंग एट अ चीप और ऑलमोस्ट एट अ नो कॉस्ट, सो एट अ प्राइस मच लोअर बुक प्राइस टू बुक वैल्यू. मैंने अभी इसका ऑफ कोर्स नहीं देखा है इतना मोटूट का, बट माय अंडरस्टैंडिंग वुड बी दैट प्रोबेबली उसका एसेट वुड नॉट बी वर्थ, और मे बी इट इज टू मच ऑफ ओवर लिवरेज और समथिंग. हेलो, आई थिंक कुछ कनेक्ट सर सॉरी, कुछ मैंने सुना नहीं आपने क्या बोला. मेरा कॉल बार बार आ रहा था, पता नहीं आपने क्या बोला. नहीं, मैंने ये बोला, मेरी आवाज आ रही है सर? सुनील हेलो, जी, हाँ मेरी आवाज आ रही है सर? मैं हेलो, बोलो, मेरी आवाज आ रही है हेलो, क्या? हाँ हेलो, आपकी आवाज, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही आ रही आ रही. आपने क्या बोला सर, मैंने सुना नहीं. नहीं, मैंने ये बोला, इरेडा का जो आपने एग्जांपल दिया था वो टाइम पे उसका बैलेंस शीट के हिसाब से उसका एसेट्स एंड कैश बैलेंसेस वर मच हायर देन इट्स करंट मार्केट प्राइस और द शेयर प्राइस, नहीं सो नहीं नहीं विच नहीं नहीं ऐसा 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 कुछ भी नहीं था. नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. उसका वैल्यूएशन का इशू था ना सर, इरेडा वेंट अप नो बिकॉज. नो, इसका भी तो वैल्यूएशन 1.9 था. वो ही वाज आस्किंग 1.9 टाइम बुक एंड आफ्टर लिस्टिंग दिस गोज डाउन. व्हाई सो? अरे नहीं कम है ना, सर, ना तो लर्निंग ओवर हियर इज यू कैन नॉट टेक एवरीथिंग एट फेस वैल्यू कि यार 3 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या, ये आपका मार्केट कैप हो जाना चाहिए. अगर ऐसा दिमाग में आ रहा तो मैं वर्टिकल रॉन्ग था. धनंजय जी म्यूट कर लो, आपकी तरफ से ऑटो आ रहा है. अगर ऐसा दिमाग में आता है देन दैट इज अ रॉन्ग थिंग. मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, राइट? प्रोबेबिलिटी रहता है क्या कि इफ यू हैव एक्स वाई जेड काइंड ऑफ बैलेंस शीट देन द प्रोबेबिलिटी इज दैट इट इज लाइकली टू गेट वैल्यूड मोर, एंड इफ इट इज गॉट मे बी एक्स वाई जेड काइंड ऑफ बैलेंस शीट देन मे बी इट इज लाइकली टू गो डाउन. आई एम श्योर दोनों के फंडामेंटल्स में कुछ तो डिफरेंस होगा जिसके वजह से इरिडा वेंट अप एंड दिस वेंट डाउन. हेलो, हाँ सर. अरे वो कुछ ना कुछ, शाम को पार्टी है ना, तो कभी ये नहीं आया वो नहीं आया, यही सब चल रहा है. बोलो सर. तुम हेलो. हाँ हाँ जी, आपकी हेलो, आवाज, हेलो, आपकी आवाज हाँ आ सर रही आवाज है. आ रही है. तो सोचो सोचो, दिस इज फॉर यू टू थिंक कि व्हाई सच अ थिंग हैपेंड. सोचो सोचो. हाँ सर, वही मेरा क्वेश्चन था आपसे. सर मेरी आवाज आ रही है? आ रही सर, आ रही. मैं ये पूछ रहा था कि मतलब इज देयर समथिंग फ्रॉम द बैलेंस शीट देन व्हेन दैट वी लुक एट दैट, ओके, बेस्ड ऑन लाइक यस व्हाट यस द यस वैल्यू इन यस बैलेंस शीट, यस देयर वी से देयर इज मोर कैश बैलेंस सी अवेलेबल, द नथिंग एसेट वर्थ इज मच मोर. ऑफ दैट सॉर्ट, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. यू आर लुकिंग, सी वी वर ट्राइंग टू वैल्यू द बिजनेस फ्रॉम द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट. यू ओके, स्टिल हैव टू लुक व्हाट इज द बुक ऑल अबाउट. वो जो उसने इन्वेस्टमेंट्स या लोन्स बांट रखे हैं आगे लोगों को, वो लोन किसको बांट रखे हैं वो भी मतलब तो व्हाट इज द देखना. क्वालिटी ऑफ लोन, बेसिकली ऐसे दिए जो शायद रिकवरी ना हो. इट इज नॉट योर क्वालिटी ऑफ द लोन, वो बाद में आएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो कि व्हाट कंस्टिट्यूट्स ऑफ द बुक. इसकी बुक इज इन द रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस, उसका बुक इज इन टू माइक्रो फाइनेंस. माइक्रो फाइनेंस होता क्या है पहले ये तो समझो.
What is microfinance? Anybody, any idea on microfinance? Small finance. So these are very small, and, matlab, the government... Choti business ke liye, SME businesses ke liye. No, wrong. And, and government has, and the government has a, you cannot press for the repayments and for wrong. The granny beyond a certain point. Mera sun lo sir, wrong. All of you are wrong. Microfinance is basically given to the ladies in villages. It is 100% unsecured loan and it is given to the tune of say 500 rupees to 5000 rupees. The lady in the village who wants to help her husband do work, kheti badi or small business or small work, that is where microfinance is given. And isme panchayat lagti hai, panchayat mein aapke jaake collections hote hain. So in gram panchayat they go and collect. So microfinance 90-95% is given to the ladies only in villages in rural India. 100% unsecured. So yahan dubat ki probability bahut zyada hoti hai. So what they do is they make a panchayat and they make a group and they do something called social collateral. Ki yaar maan lo ek village mein 5 ghar hain ya 10 ghar hain ya 25 ghar hain, ek ghar ki lady jo interest nahi pay kar pa rahi, baki ke sare usko milke uska loan amount का जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो फंड करते हैं. दिस इज व्हाट माइक्रो फाइनेंस इज ऑल अबाउट. अभी इस माइक्रो फाइनेंस में मेरी बुक वैल्यू कितना है और मेरा बैंक का लोन कितना है, बिकॉज एनबीएफसी में तो लोन ज्यादा होगा, बैंक का डेट टू इक्विटी ज्यादा रहेगी रहेगी, वो तो वाजिब सी बात है. तो यहाँ पर जो डिफॉल्ट जो एनपीएस जीएनपीएस और एनपीएस की प्रोबेबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है, राइट. Maybe because this is the reason IREDA went up and this went down. And IREDA was what? We were going and partnering a business where 75% of the business was held by President of India. Point number one. All the assets were in the renewable energy space. So, kis ke renewable energy space? Government ke renewable energy space. Bajar mein nahi de raha tha wo. And he had a mini Navratna status. Lots of cash. And before the IPO got listed, he was converted to a Navratna status. So more security of the loans and giving to an industry which is growing very rapidly. Both sare segments are in, both sare technology changes are in. Or rather than him giving to the retail people, the very low-end retail people, jahan pe mere dubat ki chances zyada hain. So markets are forward-looking, markets know. The probability of loans from IREDA going down are very less versus the probability of loans given by microfinance companies. Why I can tell you this? Because in the last fall when Manappuram Finance from 210 rupees came down to 60 bucks, do teen baar kar chuka hai pichle 10 saal mein, the issue of COVID bolo ya note bandi bolo was this, ke Manappuram ka jo book value tha, इक्विटी था, वो माइक्रो फाइनेंस लोन बुक वाज इवन लार्जर देन मनापुरम बुक वैल्यू. तो पूरा का पूरा माइक्रो फाइनेंस कोविड में और इन सब नोटबंदी में वाइप आउट होने के चीजें आ गई थी. द स्टॉक कोलैप्स्ड बाय 60% इन नो टाइम. दैट इज व्हाई यू सी मनापुरम वाला वांट्स टू डीमर्ज द आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस बिजनेस एंड लिस्टेड इन एज अ सेपरेट एंटिटी. So the element of risk in microfinance is very high. That is why Muthoot microfinance is going down. पर सर ये उज्जीवन इक्विटास ये सब उज्जीवन मतलब ये कुछ और करता है, माइक्रोफाइनेंस नहीं करता हूँ. माइक्रोफाइनेंस एक फाइनेंस का एक सबसेट होता है जो सिर्फ लेडीज को दिया जाता है विलेजेस में, वेरी स्मॉल टिकट साइज. Now there are vehicle loans, there are OD limits, CC limits, then there are term loans, then there are housing loans, then there are loans against property, then there are working capital loans. बहुत सारी अलग-अलग चीजें होती हैं. So when we are talking about this, we are trying to understand कि वो इंडस्ट्री कर क्या रही है और किस जगह वो फोकस जा रही है और उसमें खतरा कितना है. जितना ज्यादा खतरा होगा आपको अपना जो प्राइस है आपको उतना ज्यादा सेफ्टी प्राइस चाहिए. Margin of safety. Mm-hmm. We have to first as investors, before buying any investment, ask ourselves, what is the probability, how much I can lose over here?
रिस्पेक्ट रिस्क फर्स्ट देन लुक एट रिटर्न्स, हम लोग उल्टा करते हैं, ठीक है। तो चलो शाम को करते हैं वो कॉल। अभी तक वी हैव सीन हाउ टू आइडेंटिफाई स्टार्टअप्स एंड विद सम एग्जांपल्स, आई होप आप सब लोगों ने वो एग्जांपल्स करे होंगे। टुडे वी विल सी हाउ कैन वी वैल्यू स्टार्टअप एंड बी वेरी श्योर वैल्यूएशन हर बंदे का अलग अलग हो सकता है, इसमें कोई सही है कोई गलत है ऐसा कुछ बैरोमीटर नहीं है। सपोज राकेश जी एंड विजय जी एंड सुनील जी आर डूइंग वैल्यूएशन एंड तीनों के आंसर्स अलग आ सकते हैं एंड तीनों के तीनों गलत भी हो सकते हैं, तीनों के तीनों सही भी हो सकते हैं। सेकेंडली इट इज अ रेंज ऑफ नंबर्स, इट इज नेवर अ फिक्स नंबर कि यार इस प्राइस इस कंपनी का वैल्यू एक्स वाई जेड रुपीज होना चाहिए पर शेयर या मार्केट कैप, ऐसा नहीं होता है। इट इज ऑलवेज अ रेंज ऑफ वैल्यूज, इट इज नेवर अ फिक्स वैल्यू, राइट। सो नाउ वेंस वी नो हाउ डू वी आइडेंटिफाई स्टार्टअप्स एंड businesses keep on changing their way or every business wants to again become a faster growing company and all those kind of things. So we'll try and see how do we value a startup business. Startup business mein kya kya hota hai aur kya kya nahi hota hai koi batayega? Up and down. आप पढ़ाई नहीं करते इसका मतलब आप इंटरव्यू पूछ रहे हो? एक सेकंड हाँ जी सॉरी मेरा बार बार कॉल आ रहे हैं। क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोग? अरे स्टार्टअप का एट्रीब्यूट पूछ रहे थे आप। हाँ बताओ ना, आप लोगों को पता होगा तब तो। हाँ सर मालूम है ना सर, आपने बताया था ना, वो बताया था कि चाहे तो स्टार्टअप में आइदर नो सेल्स होगा या फिर सेल्स मेरी बात तो सुना करो, ट्रेन पकड़ के भाग रहे हो, कोई भी एक बताओ, एक बाकी लोग बताएंगे, कोई भी एक बताओ। हाँ हाँ बोलो। सबसे पहला जो एट्रीब्यूट होता है कि सर चाहे तो वो सीड बिजनेस होगा तो नो सेल्स होगा या सीड से आगे निकल जाएगा तो सेल्स से स्टार्ट होगा तो सेल्स बहुत फास्ट ग्रो होगा। थैंक यू। बाकी कोई दूसरा बोलेगा? मैं बोलता हूँ ग्रॉस मार्जिन वुड बी बेसिकली डिपेंडिंग ऑन अगेन इन द वेरी इनिशियल स्टेजेस वुड बी गोइंग अ बिट डाउन बट वंस थोड़ा उसका चालू हो गया तो देन स्लोली हिज ग्रॉस मार्जिन ही वुड बी ट्राइंग टू इंक्रीज। थैंक यू। व्हाट एल्स? समबडी एल्स? इक्विटी डाइल्यूशन। करेक्ट। स्लो रेट और फास्टर रेट? स्लो रेट। व्हाई स्लो रेट? इफ यू हैव टू बोरो इट विल नीड अ लॉट ऑफ कैपिटल। बोरोइंग लेस। It will need a lot of capital, चाहे वो borrowing से लेके आए चाहे वो equity derive करके लेके आए, that would be a faster rate. But borrowings also has to be less, na? Borrowing will be more, na? पैसा है ही नहीं ना धंधे में, अभी तो सिर्फ सेल आनी शुरू हुई है, या तो मैं शेयर बेच के पैसा लेके आऊंगा या बाजार से कर्जा लेके पैसा लेके आऊंगा, और तरीका क्या है? एडवांस तो कोई देगा नहीं नए स्टार्टअप में। राइट सर, राइट। वॉट एल्स? वॉट एल्स? एनीबडी एल्स? नो 3-4 पीपल हैव सेड। बाकी लोग और क्या एट्रीब्यूट्स हैं जिससे पता चला आप लोगों ने स्टडी करा है कि नहीं करा है? बोलो बोलो यार, सही गलत का एट्रीब्यूट्स तो आपने यही बताए थे, उसके अलावा हमें देखना था कि वो जो पैसा आ रहा है वो फिक्स एसेट्स में लगा रहा है कि नहीं लगा रहा, उसके एसेट्स बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे, और भी तो एट्रीब्यूट्स होंगे मैम। कैश फ्लो विल बी नेगेटिव है ही नहीं, प्रॉफिट्स वुड बी नेगेटिव, पीबीटी एंड पैट वुड बी नेगेटिव, राइट, ऑपरेटिंग कॉस्ट वुड बी हाई, ये सब तो एट्रीब्यूट्स हैं और क्या हैं सर। लेकिन अगर जैसे मतलब अगर वो धीरे धीरे बिजनेस बढ़ा रहा है अपना तो देन दैट वुड बी गोइंग फ्रॉम नेगेटिव टू अ बिट पॉजिटिव और रिड्यूसिंग, देन दैट इज नॉट अ स्टार्टअप। नो मैं तो इनिशियल स्टार्टअप फेज की बात कर रहा हूं, अभी उसने
अभी तो सेल आनी शुरू हुई है, थोड़ा थोड़ा ग्रॉस मार्जिन आना शुरू हुआ है, तो बाकी का पी एन एल अकाउंट विल बी नेगेटिव, इट वुड बी लॉस मेकिंग. हमने बहुत सारे एग्जांपल्स भी देखे हैं. स्लोली एज द बिजनेस या मैम सो कैप्चरिंग मार्केट शेयर. हाँ, उसका एटीट्यूड है, उसका एटीट्यूड है कि ही वांट्स टू कैप्चर मार्केट. जैसे जैसे धीरे धीरे वो बिजनेस आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे तो उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा, फिर पीबीटी आएगा, फिर धीरे धीरे पैट आएगा ना. ठीक है, तो दीज आर द एट्रीब्यूट्स. तो प्रॉफिट आने का तो मतलब ही नहीं है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस को पॉजिटिव आने का मतलब ही नहीं है. अगर कैश फ्लो आ जाएगा तो फिर डाइल्यूट करने का और बोरिंग लेने का जरूरत क्या रहेगी. आई होप नाउ बाय नाउ द डॉट्स कनेक्ट. हाउ डू यू आइडेंटिफाई स्टार्टअप एंड व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स, एंड सिंपल स्क्रीनर का पेज देख के आपको ये चीजें समझ में आने लग गई होंगी. नेक्स्ट नेक्स्ट नाउ इफ आई टेल यू गोइंग वन स्टेप अहेड. मैं आपको अभी शाम की कॉल के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, जस्ट उसका एक प्री कैप दे रहा हूँ. गोइंग वन स्टेप अहेड, सपोज यू नो द स्टोरी, सपोज ये स्टार्टअप कोई नया टेक्नोलॉजी लेके आया जिससे पुरानी टेक्नोलॉजी को डिस्टर्ब कर देगा. सपोज ये ऐसी कोई चीज लेके आया विच इज वेरी मच रिक्वायर्ड इन द मार्केट, राइट. सपोज ये कुछ ऐसा कर रहा है कि जिसकी वजह से इसकी सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ने लगी है. एक एग्जाम्पल देता हूँ, आई वाज लुकिंग एट एन एग्जाम्पल टुडे. अभी सबको सबको पता है कि रिन्यूएबल एनर्जी में बड़ा बूम है और रिन्यूएबल एनर्जी आगे जा रही है. एंड यू ऑल्सो नो कि सोलर इंस्टॉलेशन एंड हाइड्रो इंस्टॉलेशन एंड विंड इंस्टॉलेशन आर गोइंग टू द रूफ, वेरी बट ऑब्वियस है, आप लोग न्यूज में देख ही रहे होंगे. एंड वॉट पीपल हैव स्टार्टेड डूइंग, दे हैव स्टार्टेड डूइंग रूफ टॉप सोलर. तो घरों के अंदर भी छत पे एक सोलर छोटा सा लग जाता है जिससे घर का खर्चा हो जाता है. एक मिनट यार. हेलो. तो एक मार्केट है, इफ आई टेल यू रूफ टॉप सोलर मार्केट. आई सिंपली गो ऑन गूगल एंड रूफ टॉप सोलर मार्केट साइज इन इंडिया. तो आई गेट अराउंड रूफ टॉप सोलर मार्केट साइज इज अराउंड 14,845 मेगावाट एट द एंड ऑफ 23 का एंड आ गया है. And this is projected to reach by 41,778 megawatt. ये जो मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ ये मैंने गूगल से निकाला. In the forecasting period, and लगभग लगभग 23% रेट से ये मार्केट बढ़ रहा है, which is very fast. मैंने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया ग्रुप में, दिख रहा है आपको? दिख रहा है? प्लेस वेयर इन्वेस्टर्स आर देयर एंड यू आर इनटू अ गैदरिंग एंड एक चीज आपको बार बार सुनने को आएगी, ह्यूज अपॉर्चुनिटी साइज. आपने कभी ये लाइन सुनी है पहले? ह्यूज अपॉर्चुनिटी साइज, दिस अपॉर्चुनिटी, दैट अपॉर्चुनिटी, दिस इज हाउ इन्वेस्टर्स कन्वर्स विद ईच अदर एंड दे आर वेरी फास्ट. और कभी कभार हमारे को समझ नहीं आते कि अपॉर्चुनिटी साइज क्या, हम कहते हैं बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी साइज, बट द आइडिया इज टू क्वांटिफाई द नंबर्स. बहुत बड़ा तो एक वेग स्टेटमेंट हो गया, बहुत बड़ा है जी साइज, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, कितनी बड़ी. सो हाउ डू यू डू दिस, जो आप ये देख रहे हो ये मैंने आपको दिया है. तो फ्रॉम 14,845 यू आर गोइंग टू 41,778 इन अ टाइम स्पैन ऑफ हाउ मच, 5 इयर्स, 2023 से 2028, राइट. फोटो में दिख रहा है? Yes, तो यू दिख रहा है. तो मैंने क्या करा, 41,778 में से माइनस करा 14,845, तो आई हैव 26,933 मेगावाट ऑफ अपॉर्चुनिटी. दिस इज माय अपॉर्चुनिटी, करेक्ट. नाउ आई एम गिविंग अ क्वांटिफिकेशन ऑफ द नंबर. और ये इन्फॉर्मेशन आपको हर इंडस्ट्री की, हर सेक्टर की, या गूगल में मिलेगी, या रिसर्च रिपोर्ट में मिलेगी, एनुअल रिपोर्ट में मिलेगी, या उसके प्रेजेंटेशन में मिलेगी, या कॉन कॉल में मिलेगी, सब जगह ये रिपोर्ट आपको मिलेगी ही मिलेगी, उसमें कोई डाउट ही नहीं है. तो इन द रूफटॉप सोलर मार्केट आई हैव 26,27,000 मेगावाट ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द नेक्स्ट 5 इयर्स, करेक्ट.
Now, if I am a company making rooftop solars, what is the amount of megawatt of solar plants which I am able to generate per year? Divide by 14,845 is my market share today. Understood? If you can write, while sir, once again, please. Suppose I am a company called XYZ Limited and I can make 1200 megawatts of rooftop solar in a year. Okay. And the total market size for rooftop solar by 2023 is 14,845 as per Google data. 14,000. Yeah. And my factory capacity is 1200 megawatt a year. So if I divide 1200 divided by 14,845, this gives me a market share of 8%. Understood? Yes, sir. I think so. 8%, yes. So now you have learned 2 points over here. I have a 27,000 megawatt of opportunity in the next 5 years. I have a market share of 8% as on date. These are two inputs you have. Yes, sir. Now going forward, after 5 years, if I don't expand and my capacity is constant at 1200, then my 1200 capacity after 5 years is going to go down to 2.8%. My market share is going to go down because I have not expanded. Kya kiya maine? Maine 1200 ko 41,778 se divide kiya, which gives me 2.8%. Markets don't like companies losing market share. Sir, can you repeat this? Abhi aapne jo 2.8% bataya. हाँ, टोटल इन 5 years की आप बात कर रहे हैं। मैंने मेरा प्लान 1200 मेगावाट बनाता है साल का, मैंने कैपेसिटी एक्सपेंशन नहीं किया, मार्केट 5 साल निकल गए, मार्केट आगे आगे चली गई, तो अब मैं तो 1200 के 1200 भी अटका हूँ। 1200 डिवाइड बाय फॉरवर्ड मार्केट जो 41,000-42,000 चला जाता है, तो मेरा मार्केट शेयर 8% से गिर के 2.5% रह जाएगा। डोंट गो बाय द प्रिसाइज नंबर्स ऑफ 2.8. So that means I have lost market share. Correct? Now think. Jaise ki Nidhi mein humne bhi bola tha, to gain market share. Now think. With this statement which I am telling you, markets don't like businesses losing market share. Agar main sales growth ke upar nahi focus karunga, mera market share niche chala jayega, to meri valuation ki pitai ho jayegi. That is why everybody is more focused on the top line growth. Markets rather like businesses gaining market share. Suppose mera jo 1200 ka wo megawatt ka mera plant tha. Suppose in the next 5 years, my 1200 megawatt plant, I make it 5000 megawatt. I expand by 4 times. So 5000 megawatt divided by 41,778 gives me a market share of 12%, 11.9%. In this case, I have gained market share in the last 5 years from 2023 to 2028. Understood? Simple to grasp? Yes. Nothing very difficult. Now the problem is anything in these 5 years can come and disrupt my technology. मैंने कोई कैपेक्स किया, मैंने 1200 से 5000 ले जाने के लिए कैपेक्स किया, एक्सपेंशन किया, कुछ नई टेक्नोलॉजी आ जाती है जिसमें इतना इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने की जरूरत ही नहीं है। सपोज रूफ टॉप सोलर में, दैट मींस आई एम गॉन बिकॉज आई हैव डन द कैपेक्स, आई हैव पुट द मनी इन द बिजनेस और वो कोई काम नहीं आ रहा, राइट? दिस इज कॉल्ड कमोडिटाइज्ड बिजनेस, जहां पर कंपीट करना बहुत इजी होता है। इसलिए बफेट साहब बार बार कहते हैं बैरियर्स टू एंट्री। सपोज फ्रॉम 1200 टू 5000 इफ आई एम गोइंग, सपोज आई मेक इट अ पैटेंट कि यार ये मेरा पैटेंट हो गया 10 साल का, कोई इसमें कॉपी नहीं कर सकता, देन आई एम इनटू
ग्लूमी लैंड देन आई गॉट लॉट्स ऑफ ऑर्डर्स एंड नोबडी एल्स कैन मेक बिकॉज आई गॉट अ पैटेंट बैरियर टू एंट्री. So the question to ask yourself is, before buying an investment, suppose you want to buy, want to go and buy, say, for example, a company called GPIL, randomly, suppose I give you, suppose I give you 5,000 crores, and I give you 500 of the best MBAs and finance people and top-notch of the country, and I ask you, go and compete with GPIL, can you do that? If your answer is no, that means the business has got some kind of a moat. But if your answer is yes, don't bother to study that business. Right? GPL के केस में तो उनके पास माइंड है ना, मैंने खुद के माइंड से मैंने वो तो बोला ही नहीं ना, मैंने बोला I'm just giving you 5,000 crores. Go and compete with GPI. Can you do that? The answer is no. Because to get to those levels of mining, you have to receive the land or permissions and mining permission. दुनिया भर के काम है. It'll take you 5-7 years. सर वही पैसा लेके GPIL वाले को बोलने का. अरे यार प्रेफरेंशियल मेरी बात गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हो आप, समझे नहीं. वो पैसा लेके इन्वेस्ट करने का वो अलग बात है. मैं आपको एक चीज टॉपिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. वो मेरा मुद्दा नहीं. कैन आई गिव कंपनी, आई गिव यू $1 billion. हाउ मच इज 1 billion? इट्स अराउंड 8,500 crores. आई गिव यू 1,000 टॉप नॉच पीपल इन द कंट्री, CFA, CAS, जो भी आपको लेना है आपको मिलेगा. $1 billion. Go and compete with Coke. Can you do that? Suppose I give you $5 billion. क्या answer? Rather that to use in another field जहाँ पे तुम अपना मोड बना सकते हो. आप अभी भी मेरी बात नहीं समझे सर. आप अभी सर सिंपली एक ही बात कर रहे हैं कि आप वो बिजनेस को आगे, मतलब आप कर सकोगे क्या? नहीं कर सकोगे तो फॉरगेट. अगर आप नहीं कर सकते हो तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उस बिजनेस के पास कोई मोड है जो हो सकता है कि मुझे नहीं समझ आ रही हो. हाँ करेक्ट. ही मस्ट बी हैविंग सम बैरियर टू एंट्री एंड दैट इज आई वांट टू नो. मे बी वैल्यूएशंस आर एक्सपेंसिव टुडे, मे बी वैल्यूएशंस आर चीप टुडे, आई डोंट नो. बट टुमारो इफ आई अंडरस्टैंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस मोड, आई कैन गो एंड इन्वेस्ट एंड कंपाउंड मनी एट अ हैंडसम रेट. That is what I'm trying to say. अगर आपको लगता है कि 1,000 crore ले जाके मैं जीरो से जमीन से काम स्टार्ट करूंगा और उस लेवल पे पहुंच जाऊंगा सर, पीढ़ियां निकल जाती है. स्टॉक मार्केट गिव्स यू द फिजिबिलिटी, यू कैन गो एंड इन्वेस्ट इन अ गुड बिजनेस टिल द टाइम द बिजनेस इज गुड, एंड वंस यू रियलाइज इट इज नॉट गुड एनी मोर यू कैन कम आउट ऑफ इट. बट द प्रमोटर कैन नॉट डू दैट. आपने जाके फैक्ट्री लगाई और फैक्ट्री चल गई तो वाह जी वाह, और नहीं चली हो तो आप बेच के बाहर आ जाओगे. नहीं, ऐसा नहीं होता है. दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू. सो नाउ वी आर स्पीकिंग अबाउट मार्केट शेयर, हाउ डज इट गो अप डाउन. नाउ वी आर स्पोकन अबाउट मोट, सम बैरियर्स टू एंट्री एंड ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स. सो नाउ यू नो व्हाई मार्केट शेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिजनेस इज will lose money maybe 1 or 2 years, but still not wanting to lose market share. This is the reason. अभी आप बोलो कोलगेट तो सुपर बिजनेस है, क्या हाई ROCE ROE है, लेकिन जब दंत कांति पतंजलि का आया था तो क्या कोलगेट के मार्केट शेयर पे कुछ फर्क पड़ा था क्या? It was a very profitable business, it's still a very profitable business. क्या उसके मार्केट शेयर पर कुछ फर्क पड़ा था क्या? हाँ पड़ा था. दे लॉस्ट 2-4% ऑफ देयर मार्केट शेयर एंड मार्केट गेव देम अ बैशिंग इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ सच अ स्टेबल बिजनेस. लेकिन हमने वहां क्या करा, स्टेज 1-2-3-4 करके खत्म हो गए. बट व्हाट दे डिड व्हेन द मार्केट गेव देम अ बैशिंग, द स्टॉक प्राइस केम डाउन. व्हाट दे डिड, जो कोलगेट की जो टूथपेस्ट होती है ना, जो हम लोग सब अपने घर में यूज करते हैं, उसको प्रेस करते हैं, उसमें से टूथपेस्ट बाहर आती है, ब्रश पे लगाते हैं, नहीं ब्रश होती है, वो जो मटेरियल होता है जिससे वो टूथपेस्ट बनती है,
उसने उस मटेरियल को पता नहीं कितना पतला करा, ड्यूरेबल करा, एंड दे वर एबल टू रिड्यूस द थिकनेस ऑफ दैट टूथपेस्ट जिससे बनती है वो मटेरियल बाय अपॉन 0.5 और 0.7 mm. एंड एग्रीगेटेड इन ऑल दे वर एबल टू सेव अराउंड $3 billion ऑल ओवर द वर्ल्ड इन वन ईयर. एंड दिस टेक्नोलॉजी केम टू इंडिया ऑल्सो बिकॉज यहाँ की कंपनी तो उसकी सब्सिडरी तो है बाहर वाली कंपनी की. एंड दिस इज हाउ दे रिकवर्ड. आरस मनु तो ये चीजें हैं. हाँ जी चलो मिलते हैं शाम को. हाउ डू यू डू ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग. सो हैव अ लुक एट फ्यू स्टार्टअप्स, ट्राई एंड सी व्हाट बिजनेसेस कैन डू एंड वी विल ट्राई एंड वैल्यू देम. आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट आरओसी आरओई कितना सेल्स ग्रोथ है, मैनेजमेंट कैसा है, ये सारी चीजें सबको पता है कि कैसे करनी है. एंड वी कैन वी कुड बी लैंडिंग अप टू सेवरल डिफरेंट आंसर्स, ऑल कुड बी राइट ऑल कुड बी रॉन्ग. This is how you learn. All right, meet you tomorrow. Okay.